सभी गुरुजनों को प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि विभाग द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आपके विद्यालय में प्रवेश लेने वाला बच्चा यदि बेसिक या एडिट स्कूल से आ रहा है तो उसका नवीन रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, बल्कि उसका ट्रांसफ़र करना है। प्राइमरी से जूनियर स्कूल में जाने वाले बच्चे का ट्रांसफ़र होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यदि आपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो बच्चा डुप्लीकेट दिखाई देगा, जिस कारण से उसका पेमेंट रोका जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि प्रेरणा पोर्टल पर बच्चे का ट्रांसफ़र कैसे करें। सबसे पहले प्रेरणा पोर्टल को खोल लें। खोलने के बाद बाईं तरफ जो तीन लाइनें दी गई हैं इनको हम टच करेंगे। टच करने के बाद नीचे बैंक डाटा अपलोड पर क्लिक करें। नीचे टीचर लॉगिन दिया गया, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन 2023-24 पर क्लिक करें और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इस बॉक्स में डालें। बॉक्स में डालने के बाद सेंड ऑथेंटिक मैसेज पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा। जो OTP आए उसको यहाँ पे हम भर देंगे। भरने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक कर दें। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करें और नीचे एक ऑप्शन दिया गया है स्टूडेंट ट्रांसफ़र। इसके माध्यम से हम स्टूडेंट का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यदि आप से यहाँ से नहीं ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ऊपर बाईं तरफ जो तीन लाइनें दी गई इन पर टच करें। इसको टच करने के बाद लर्निंग आउटकम जो दिया गया है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे है स्टूडेंट ट्रांसफ़र प्रोसेस, इस पर हम क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। ट्रांसफ़र की कार्रवाई उसी विद्यालय को करनी है जिस विद्यालय में बच्चा प्रवेश ले रहा है। जिस विद्यालय से बच्चा आ रहा है उसको ट्रांसफ़र नहीं करना है। UDA स्कोर, इसमें उस विद्यालय का UDA स्कोर डालेंगे जहां से बच्चा आ रहा है। UDA स्कोर डालने के बाद आप बाहर कहीं टच कर दें। टच करने के बाद उस विद्यालय की समस्त जानकारी आपके सामने आ जाएगी। आप चाहें तो मैनुअली भी उस विद्यालय को सर्च कर सकते हैं। इसके बाद कक्षा को हम सेलेक्ट करेंगे। कक्षा 5 से बच्चा आ रहा है तो कक्षा 5 को हमने सेलेक्ट किया। तो उस विद्यालय के जितने बच्चे कक्षा 5 में नामांकित हैं वो सब यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगे। आपको जिस बच्चे का ट्रांसफ़र करना है उस बच्चे को नाम के आगे सेलेक्ट कर लेंगे। जो बॉक्स दिया गया उसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सामने जो एक बॉक्स दिया गया है जिसमें हमें स्थानांतरण की दिनांक, जिस तारीख को बच्चा आपके विद्यालय में एडमिशन ले रहा है वो डेट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद स्थानांतरण की कक्षा, किस क्लास में बच्चा एडमिशन ले रहा है, तो कक्षा 6 में ले रहा है, 6 में हमने भर दिया। इसके बाद उसका SR नंबर, आपके विद्यालय में जो आपने नया SR नंबर दिया है उसको भरेंगे। इसके बाद कारण, कारण क्या है ट्रांसफ़र का, पास आउट है, कक्षा उन्नति हो गई है, जो भी ये हो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। हमने कक्षा उन्नति हो गई वो सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद स्थानांतरण का विवरण, शॉर्ट में कुछ हमें भरना भी होगा कि क्या कारण है, वो यहाँ पे हम भर देंगे। भरने के बाद छात्र छात्रा का स्थानांतरण करें, जो नीचे एक टैब दी गई है नीले रंग में, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। हमने बच्चे लिख दिया है कक्षा 5 पास। इसके बाद छात्र छात्रा का स्थानांतरण पर क्लिक करें। इसके बाद ओके पर क्लिक कर दें। छात्र छात्रा को सफलतापूर्वक स्थानांतरण कर दिया गया है, ओके पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आप जितने चाहे बच्चों का स्थानांतरण कर सकते हैं। जिस बच्चे का स्थानांतरण हमने किया था, आइए देखते हैं वो हमारे विद्यालय में पहुंचा या नहीं पहुंचा है। बाईं तरफ जो तीन लाइनें दी गई उनको हम टच करेंगे। इसके बाद लर्निंग आउट पर क्लिक करने के बाद हम पहुंचेंगे स्टूडेंट ट्रांसफ़र ये जो बॉक्स दिया गया इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बच्चे का सर्च बॉक्स में बच्चे का नाम डालेंगे। बच्चे का जो नाम है वो यहाँ पर हम डाल देंगे। जिस बच्चे का हमने ट्रांसफ़र किया था वो बच्चा नीचे हमें दिख रहा है। इसी प्रकार से जितने भी बच्चे हैं आप उन बच्चों का ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपके विद्यालय में बच्चे का नाम जुड़ा या नहीं जुड़ा है। यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।